कुमार मशीन वाला के बिहेव से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बेहतरीन लर्निंग दूंगा, आपको सिखाऊंगा मैं क्रेन कैसे चलाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी 10 टन की है। पूरा बूम निकालने के बाद 2 टन कैपेसिटी होती है, जिसके बारे में इनके क्रेन के बहुत ही अच्छे जो इसको ड्राइव करते हैं वो आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। इनका नाम है शनि। आओ भाई शनि, ये शनि है। तो ये एक एक करके बताएंगे हमें क्रेन को कैसे चालू करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए। तो स्टार्ट करो, आप बताओ पहले हम क्रेन को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? पहले तो सफाई करते हैं। ठीक है, पहले सफाई करते हैं इसकी, जो है सुबह के टाइम हाथ जोड़ के ऊपर हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेके इसमें चढ़ते हैं। तो ये दिखा रहे हैं, देखिए ये कैसे चलेंगे, दिखाइए मुझे। ये क्रेन में चढ़ गए, पहले मैं इनके क्रेन को दिखा देता हूँ चारों तरफ से। ये क्रेन है इनकी बहुत बड़ी, ये इसका हाइड्रोलिक वो है जिससे ये ऊपर नीचे होता है। ये इसके बूम है जो कि 4 से 5 बार निकल जाता है। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे ड्राइव करते हैं और इसमें क्या क्या इसके फंक्शंस है। तो यहाँ से चढ़ते हैं हम क्रेन में, ये देखिए, ये है इसका, ये हाथ जोड़ लिया इन्होंने। बताओ जी क्या क्या क्लच दबा, किधर है क्लच? ये क्लच है। हाँ, ये क्लच दबानी पड़ेगी, दबा। यहाँ से स्टार्ट हो गया और फिर उसके बाद हमें बैक करना है। तो पहले बैक करेंगे इसे, हम बैक करके दिखाते हैं कि कैसे बैक करेंगे। ये बैक गियर लगा दिया, देखो कितने आसानी से कैसे लगाया, फिर से बताना बैक गियर। पहले ये बैक गियर लग गया सीधा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंगल ये बैक लग जाएगा इससे, और इसे दूसरा गियर लग जाएगा, और ये तीसरा गियर लग जाएगा। ये देखिए पीछे हो रही है क्रेन, ये कौन सा लीवर दबा रहे हो पीछे करने के लिए? कटिंग आगे पीछे। और ये किस काम से है? ये लोहाई का। क्या है? लोहाई का मंदा तेज, स्पीड तेज और कम करने के लिए है ये। और ये चलाने का, इधर उधर, ये इससे इधर उधर चलाने का है, कटिंग करने का। और ये दूसरा लीवर जो है ये बूम उठाने का। ठीक है, और ये रस्ता हरिया करने का चौथा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे बूम आगे पीछे होता है। ये पीछे करो, आप लाओ क्रेन पीछे करो। अभी मैं इसको लोडिंग अनलोडिंग करने की भी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। हाई करते हैं बूम, बूम दे इसको, देखो वो बूम कैसे हाइट हो रही है। और उसका आगे का किससे निकालते हैं? हाँ, डब्बा डाउन करके जब बूम निकलेगी उसे ऊपर करके वो निकल रही है बूम। अब मैं इसे लोड करके दिखाऊंगा आपको कैसे लोडिंग होती है। इसका बताना क्या क्या है, इस लीवर को कैसे यूज करते हैं, क्या चीज करने के लिए बोल बोल के। ये इधर से कटिंग होती है, जैसे अब इधर काटना है हाँ तो इधर के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब इधर काटना है तो इधर के लिए हो जाएगा, इससे ये होता है। ठीक है, और दूसरे वाले से अब ऊपर जाएगी बूम, ऊपर उठेगी। हाँ। उठाओ हल्का सा, ऊपर जा रही है। हाँ, और इससे डाउन हो जाएगी नीचे।
ठीक है। अगर हमें बूम निकालनी है ना, हाँ, तो सबसे पहले ये लीवर डाउन करना पड़ेगा कप्पा छोड़ने के लिए। कप्पा छोड़ने के लिए ठीक है, बूम टूट, वो कप्पा टूट जाएगा अगर। ठीक है, और बाहर को, हाँ बाहर, ठीक है, इधर पीछे लोगे तो अंदर हो जाएगी। ठीक है, बाहर से बताना आप, आप दिखाओ ये कप्पा ढीला हो रहा है, कप्पा ढीला करो। ठीक है, बूम निकल रही है। ठीक है, ठीक है, इनके हाथों पे ध्यान देना गाइस, कैसे क्या क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, अब उसे टांगो, लो चालू रखना चाहिए। अब उसे टांगने के लिए हम बीन्स लोड करके दिखाएंगे, इसके अंदर क्रेन से कैसे लोड हो रही है गाड़ी में। इससे बस थोड़ा थोड़ा आपको थ्योरी पढ़ते हैं या प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा आपको लोड होगा। बिना प्रैक्टिकल के लिए आप ये नहीं समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल तो करनी पड़ेगी, पर इससे आपको आइडिया आ जाएगा क्रेन को चलाने के लिए क्या क्या उसके नियम है और क्या क्या उसके वो को आगे पीछे ना हो, नहीं तो इधर झुक जाएगा या उधर झुक जाएगा, इसकी भी एक तकनीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से इसमें सीलिंग डल गई है, आप देख पा रहे होंगे बेल्ट डल गई है। अब ये इसको सेंटर में उठा लेगी, एकदम देखिए कैसे एकदम सेंटर में उठा रहा है इसे ये क्रेन। और आज आप बहुत ही अच्छे से क्रेन को समझ सकेंगे कि कैसे ये यूज होता है, कैसे ये चलाया जा सकता है। अब इसका ऊपर देखिए कैसे वो बूम अंदर जा रहा है, तो वो जो लीवर मैंने दिखाया था आपको, सनी ने बताया था कि कैसे लीवर से अंदर जाता है बाहर आता है, तो इसका पर्सनली ध्यान रखना है कि इसका कप्पा होता है जिसमें वो टांग रखा है वो ऊपर या नीचे करके जब उसे अंदर करना होता है। अब इसको ले जाते समय अपने जितना अंदर रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो इससे क्रेन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, उसके इंजन पे भी ज़्यादा लोड पड़ेगा और इसको स्मूथली अब क्रेन इसे पीछे कर पाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एकदम आराम से ये पीछे हो रहा है, एक बंदा उसे पीस को पकड़ रखा है कि हिले ना, तो एकदम स्लोली स्लोली ये नीचे हो रहा है। बहुत ही क्रिएटिविटी और क्रिएटिव वीडियोस है ये, आप इस वीडियोस को अपने फैमिलीज को, अपने बच्चों को, अपने जानने वाले को, किसी को भी दिखा सकते हैं। ये मेरे जितने भी वीडियोस हैं ना, आप बच्चों को दिखा सकते हैं, उससे उनके अंदर एक क्रिएटिविटी और साइंटिफिक बहुत ही अच्छी इच्छा शक्ति जगेगी। जैसे हम कार्टून दिखाते हैं बच्चों को, तो कार्टून अब हमने सोचा ये जैसे देखते हैं वैसा होता है, जैसा सोचते हैं वैसा होता है, कार्टून दिखा रहे हैं बच्चों को अच्छा लगता है,
लेकिन इसमें क्या है, कोई कोई बच्चा देखते हैं आप लोग बहुत ही क्रिएटिविटी रहता है, इंजीनियर और उसके अंदर एक साइंटिस्ट या डॉक्टर बहुत एकदम बचपन से ही होता है, तो उनके अंदर हम पहले ही वो क्या ना एक खाली डिब्बे की तरह है, उनके अंदर हम जो भरेंगे वही वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमें शुरू से ही इन्हें बच्चों को क्या है अच्छी अच्छी वीडियोस, बड़े बड़े थॉट्स, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी या टेक्निकल चीज़ें दिखानी चाहिए। उससे क्या है उनका दिमाग बहुत क्रिएटिविटी होता है बचपन में, बहुत ही चंचल होता है, जिससे कि वो जल्दी कुछ भी सीख पाते हैं और जिधर ध्यान उनका चला जाता है, फोकस चला जाता है, वही करने लगते हैं। तो आप ये अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कार्टून की जगह मेरी वीडियोस जितनी भी हैं मशीनरी की, और उनसे उनके अंदर एक इच्छा शक्ति जगेगी कुछ बनने की, कुछ करने की, नया जुनून आएगा। तो कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, आप मुझे पर्सनली लाइक और कमेंट करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब प्लीज़ करना, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता है और जिससे मुझे जुनून आता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं, और मुझे फील होता है कि हाँ ये जिस तरह की भी मैं वीडियो बना रहा हूँ या बोल रहा हूँ जो भी है वो आप लोगों को पसंद आ पाए, ये मुझे फील होगा ऐसा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आज ये क्रेन चलाने की वीडियो मैंने दिखा दी आपको, अब ये पीस देखिए लोड हो चुका है गाड़ी में और वो क्रेन का बूम पीछे हो रहा है, तो देखिए कैसे ये लोड हो रहा है, लोड हो गया और ये क्रेन का बूम पीछे हो रहा है और वो कुप्पा ऊपर कर रहे हैं और ये क्रेन पीछे हो रही है। क्रेन को बैक करने के लिए उसका सेकंड लेवर थर्ड नंबर का जो वो उसका बैक गियर लगा के थर्ड नंबर का लीवर दबाना था, उससे ये पीछे हो रहा है। और एकदम ही ध्यान से ये क्या है, ये तो एक तरह से थ्योरी बता दिया है, बिना प्रैक्टिकल करे कुछ भी नहीं संभव है, पर इससे क्या है आपको आइडिया आ जाएगा। जिस तरह हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, इस तरह एक क्रेन को थ्योरी भी जरूरत है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह अब आप इसको समझ गए होंगे, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं और किस चीज पे वीडियो चाहिए। ठीक है सनी भाई, तुमने बहुत अच्छा सिखाया। हाँ, और तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुमसे बात करेंगे। हाँ पलटी करवाओगे उसमें बेल्ट ही फेंक देना मानो।